अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमानत अली विराज एम लिंक स्टेट व्यूअर्स। वन कनाल हाउस फॉर सेल डीएचए फेज टू, जिसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है। मैं आपको बताता चलूं, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी टाइल लगी हुई है। ज़्यादा अगर हम वर्क देखते हैं फ्रंट एलिवेशन में तो आपको टाइल का मिलता है। थोड़ा नज़दीक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से इसका मेन डोर मेन गेट जो है, और ऊपर आपको ये फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रहा है। इसमें टाइल और जो आपको ये साथ एक मतलब सीएनसी डिज़ाइन में ऊपर वॉल लगाई गई है मेटल के साथ, टाइल का वर्क यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रहा है। अगर हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्सपेंसिव टाइल लगी हुई है। इस साइड पे बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है। डिमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, तो बाकी फर्दर डिटेल में आप दोस्तों को ले चलता हूँ घर के अंदर। ये इसका मेन गेट, और यहाँ पे आपको इसका खूबसूरत प्लांटेशन यहाँ पे की हुई है। वॉल में अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसकी वॉल आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे विंडो लगी हुई है बीच में, लाइट्स खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, और प्लांटेशन आप देख सकते हैं की गई है। यहाँ पर अगर हम आते हैं इसके कार रैंप की बात करें, तो कार रैंप पे आप दो गाड़ियां मजबूरन खड़ी कर सकते हैं। तो अभी हम मेन डोर से जो ही इंटर होते हैं घर में, इसका मेन मैं आपको यहां से थोड़ा दिखा देता हूं। यहां से आपको इसका सारा व्यू नज़र आ रहा होगा। अगर हम पोर्च की बात करें तो आपको पोर्च में दो गाड़ियां यहां पे मतलब आसानी से, पोर्च इतना है कि तीन गाड़ियाँ भी आप खड़ी कर सकते हैं, दो बिल्कुल आसानी से खड़ी कर सकते हैं, और साथ और भी स्पेस मतलब आने जाने के लिए आपको खुली मिल जाती है। तो यहाँ पे आप खूबसूरत लान मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लान बना हुआ है। तो अभी मैं ले चलता हूँ इस साइड पे, गैलरी वाली साइड पे। यहाँ पे आपको गैलरी मिलती है जो बहरिया सॉरी डीएचए के लाज के मुताबिक बनी हुई है। ये जो पोर्च है सामने आप देख सकते हैं, वॉल पे खूबसूरत डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर खूबसूरत सीलिंग की गई है, और यहाँ पे आपको ये तीन विंडो दी गई हैं। तीन विंडो के साथ आपको यहाँ पे मेन डोर और एक यहाँ पे बड़ी विंडो दी गई है जो आप ये देख रहे हैं। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको हाउस के अंदर। सबसे पहले हम जो ही हाउस में इंटर होते हैं तो ये सामने का व्यू, लॉबी का व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। ऊपर आपको यहाँ पे एक मिनी साइज़ में कह लें कि शैंडिलियर है जो बड़े अच्छे तरीके से जिसे हैंग किया गया, और यहाँ पे आपको खूबसूरत डिज़ाइन में ये मिल जाता है इसका मेन डोर आप देख सकते हैं। ये जो टाइल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी टाइल है जो इस्तेमाल की गई है, और बटन जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे बटन है। सेम इसी तरह दूसरे का भी आपको देख सकते हैं, ये एक ही डिज़ाइन है डोर का। तो जो ही हम इंटर होते हैं घर में, यहाँ पे आपको डबल यूनिट के लिए डोर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर ये स्टेयर्स जा रही हैं, मैं आपको पहले ग्राउंड का विज़िट करवा देता हूँ। तो इस साइड पे आपको इसका मिल जाता है ड्राइंग रूम, तो पहले हम ड्राइंग रूम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको खूबसूरत विंडो मिलती है जो बहुत अच्छी बनी हुई है, और इस साइड पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं दो साइड पे विंडो दी गई है। सेंटर में खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल भी किया गया है। ऊपर खूबसूरत सीलिंग आप देख सकते हैं जिसमें दो शैंडिलियर मिनी साइज में हैंग किए गए हैं, और यहाँ पर एक फ़ैन है। तो इसी के साथ ही जो कनेक्ट किया गया है इसका ये डाइनिंग एरिया में आपको ले चलता हूँ। अगर हम टाइल की बात करते हैं तो फ्लोर पे टाइल का जो इस्तेमाल किया गया बहुत खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया है। डाइनिंग एरिया में हम इंटर होते हैं तो मैं थोड़ा आपको यहाँ से इसका व्यू करवा देता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये इसका डोर दिया गया है। इस डोर की अगर बात करें तो यहाँ पर वुड और ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको सामने विंडो मिल जाती है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है, और ये आप डाइनिंग और ड्राइंग मतलब यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कनेक्ट अगर यहाँ पे आप वॉल में डोर भी लगाना चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये मैं आपको अभी इसका पाउडर रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इसका पाउडर रूम मिल जाता है। पाउडर रूम के अगर हम बात करते हैं तो ये खूबसूरत आप देख सकते हैं, मतलब इसका शावर एरिया कमोड, और यहाँ पे ऊपर आपको इसकी मिरर मिल जाता है। टाइल की अगर हम बात करते हैं तो टाइल यहाँ पे 8 फिट टाइल लगाई गई है, जो खूबसूरत, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 फिट ऊपर गैप आपको नजर आ रहा होगा, बाकी टाइल का इस्तेमाल किया गया और मास्टर टाइल का इस्तेमाल किया गया। इंटर होते ही आपको यहाँ पे ये खूबसूरत वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको इसके, यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है किचन। किचन में मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे डोर जितने भी बने हैं सभी डोर में जो वर्क किया गया ग्लास और वुड का किया गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत नीचे केबन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी केबन बनी हुई है। इस साइड पे आपको इसका एक छोटा डैटी किचन मिल जाता है, जो सेम डिज़ाइन सेम एक जैसा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक डोर मिल जाता है जो बाहर की तरफ जा रहा है। ऊपर यहाँ पे आपको जो है एक विंडो मिल रही है, और विंडो के साथ केबन ऊपर और नीचे वाली केबन सेम एक ही डिज़ाइन में एक ही मतलब सॉलिड बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। बर्नर स्टॉल है ऊपर, सीलिंग लाइट्स खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया, फैन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक एग्जास्ट भी मिलता है। और अगर हम डोर की बात करते हैं तो सामने ये आप देख सकते हैं डोर ग्लास और वुड का वर्क किया गया। तो यहाँ से हम निकलते हैं अभी इसके टीवी लॉन्ज की तरफ। तो ये सामने आपको इसके टीवी लॉन्ज का एरिया नज़र आ रहा है। टीवी लॉन्ज यहाँ पे आपको खूबसूरत विंडो मिल जाती है, जो विंडो का अगर हम साइज़ कहते हैं तो बहुत ही अच्छी और मेटल की बनी हुई है, जिसमें ग्लास और मेटल का इस्तेमाल किया गया। और मेरा ख्याल है इसे हम कह सकते हैं, मतलब साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा पूरी वॉल पे, मतलब 10 फिट की वॉल है जहाँ पर ये लगाई गई है। तो इस साइड पे आपको खूबसूरत डिज़ाइन वॉल पे मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको फैन मिल जाता है और मिनी साइज में शैंडिलियर। तो अभी यहाँ से थोड़ा मैं आपको ये अगर टाइल की बात करें तो नीचे आप टाइल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइल लगी हुई है। ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं। टीवी लॉन्ज से सामने अगर हम आते हैं, यहाँ पर आपको खूबसूरत ये एक डिज़ाइन मिलता है वॉल में। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके बेडरूम में। तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं इसके 3 बेड हैं। तो सबसे पहले बेड में अगर हम जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं नीचे इसका टाइल वर्क और डोर। यहाँ पे डोर में थोड़ी चेंजिंग की गई है, यहाँ पे जो डोर है सिर्फ वुड का डोर है, और सामने खूबसूरत आपको लाइट्स मिलती है। विंडो यहाँ पर इंस्टॉल है, विंडो बहुत अच्छी विंडो है। और अगर हम यहाँ पे कबर्ड्स की बात करें तो ये सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्हें इंस्टॉल किया गया है, वॉल के साथ ही फिक्स है बिल्कुल। मतलब कुछ घरों में तो ऐसे होता है ना कि वॉल से वायर बनी होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ ही से बनाया गया है। और यहाँ से अंदर आप इसकी बहुत अच्छी कबर्ड बनी हुई है, सॉलिड है। और इसका ये सामने आपको मिलता है वॉशरूम। तो वॉशरूम में मैं आपको ले चलता हूँ। वॉशरूम में आप इंटर होते हैं तो आपको खूबसूरत मतलब स्पेस यहाँ पे अगर देखते हैं, खूबसूरत टाइल मिल जाती है। ये टाइल आप देख सकते हैं वॉल पे। यहाँ पे आपको शावर एरिया इसका मिल जाता है, और नीचे आपको ये कमोड मिलता है। तो इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको खूबसूरत वेंटी मिल जाती है, और ऊपर आपको मिरर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक मिरर है। यहाँ पे आपको एक विंडो और ऊपर एग्जास्ट फैन। इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं तो आपको ले चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। हम सेकंड बेडरूम में मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सेकंड बेडरूम
इस बेडरूम में हम इंटर होते हैं, इंटर होते ही सामने एक विंडो है जो बहुत खूबसूरत और स्टैंडर्ड साइज़ में जो इसकी विंडो लगाई गई है, साइडों पर खूबसूरत लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी और ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन सीलिंग का। यहाँ पे एक साइड पे आपको जो मिल जाती है कबर्ड मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत डोर, सॉलिड डोर बने हुए हैं। मैं आपको वॉशरूम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड, जो ही हम वॉशरूम में इंटर होते हैं फुल हाइटेड कबर्ड मिल जाती है, और वॉशरूम में जो ही इंटर होते हैं सामने आपको खूबसूरत टाइल कवर किया गया है, जिसको बहुत ही आप देख रहे होंगे टाइल वर्क बहुत अच्छा किया गया है, और विंडो इंस्टॉल है, एग्जॉस्ट फैन है, नीचे आपको मिल जाता है इसका कमोड, और यहाँ पे आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है। स्पेस की अगर बात करें तो बहुत ही स्पेस यहाँ पे दी गई है, ये वेंटी आपको मिलती है यहाँ पे, यहाँ पे खूबसूरत मिरर इंस्टॉल है। अगर हम टाइल की बात करें तो यहाँ पे फुल हाइट टाइल नहीं लगाई गई, टाइल 2 फिट का गैप दिया गया। अक्सर घरों में ऐसे ही मतलब वर्क किया जाता है, वॉशरूम में मास्टर की टाइल इस्तेमाल है। सामने आपको इसका डोर मिलता है खूबसूरत डोर। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आपको खूबसूरत इसका डोर नजर आ रहा है इसके थर्ड बेडरूम का। जो ही हम बेडरूम में एंटर होते हैं सामने आपको विंडो मिलती है, और साइड पे खूबसूरत लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, हर बेडरूम में थोड़ा सीलिंग डिज़ाइन चेंज किया गया है। और यहाँ पे आपको इसका डोर मिलता है, सॉलिड डोर बना हुआ है, अच्छा डोर बना हुआ है। यहाँ पे आपको सामने मिल जाती है इसकी कबर्ड, फुल हाइटेड कबर्ड हैं। और अगर हम बटन की बात करते हैं तो ये बटन आपको नजर आ रहे होंगे, सभी अच्छे बटन जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको ये फुल हाइटेड कबर्ड मिल जाती है, बहुत ही अच्छे स्टाइल में इन्हें मतलब इंस्टॉल किया गया। अगर इन पे ये हैंडल ना हो तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ये कबर्ड है, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्हें इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं अभी आपको इसके वॉशरूम की तरफ ले चलता हूं। वॉशरूम में हम जो ही इंटर होते हैं सामने आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है, टाइल यहां पे जो मास्टर की इस्तेमाल की गई है, टाइल यहां पे कलर चेंज किया गया है, टाइल का जिस तरह दूसरे वॉशरूम में था उस जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको खूबसूरत वेंटी मिलती है और मिरर अच्छा इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका डोर मिल जाता है, अच्छे सॉलिड डोर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको विंडो और एग्जॉस्ट फैन। तो अभी मैं आप दोस्तों को ले चलता हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का एरिया आपको विजिट करवा देते हैं, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। यहाँ से मैं आपको इसका सारा व्यू करवा दूँ, आपको सब नज़र आ रहा होगा, और इस साइड पे आपको टीवी लॉन्च इसका नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए साइड पे डबल यूनिट के लिए आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाता है, और इस साइड पे आपको विंडो 3 मिल जाती हैं, जो विंडो इंस्टॉल है। यहाँ पे ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और ये साथ जो वाल है CNC की, और साथ ये आप जो देख रहे हैं ये मेटल, मतलब है सारा मेटल लेकिन CNC डिज़ाइन में, इसे ऊपर वुडन कलर दिया गया है। अगर हम स्टेयर्स की बात करते हैं तो स्टेयर्स पे आपको यहाँ पे हर स्टेप के साथ लाइट्स नहीं मिलती, जैसा कि कुछ घरों में इस तरह लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे सेम उसी तरह जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ वॉल, और अभी हम आ गए हैं जिसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्टेयर्स नज़र आ रही हैं जो ऊपर जा रही हैं, और इस साइड पे सेम इसी तरह नीचे 3 विंडो हैं। तो जो ही हम इसके इंटर होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका लॉबी एरिया। मैं आपको ले चलता हूँ इसके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है,
और इस साइड पे आपको मिल जाता है इसका एक पाउडर रूम। तो अगर इसकी बात करें, कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, वैनिटी आप देख सकते हैं, मिरर का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर एग्जास्ट फैन भी है। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके साथ ही जो इसका एक ये बेडरूम है, इस बेडरूम में सेम डिज़ाइन इसी तरह डिज़ाइन बना हुआ है ग्राउंड पे भी। यहाँ पे थोड़ा किया सिर्फ एक चेंजिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये खूबसूरत टाइल जो है, टाइल भी जो इस्तेमाल की गई है उसका कलर चेंज किया गया है, वॉल पे टाइल वर्क किया गया है, खूबसूरत टाइल है ये वाले, आप टाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है और यहाँ पे आपको खूबसूरत सीलिंग के साथ दो लाइट्स और फैन। सामने आप ये कह सकते हैं ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खूबसूरत एल शेप में आपको विंडो यहाँ पे मिलती है और इस जगह पे आपको वॉल में खूबसूरत डिज़ाइन और सेम वॉल पे जो डिज़ाइन किया गया है जो आप देख रहे हैं, ऊपर आपको दो लाइट्स फैन और खूबसूरत सीलिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ये जो वॉल पे डिज़ाइन है, साथ इसमें टाइल किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इस साइड पे हम आ जाते हैं, नीचे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और टाइल का अगर हम साइज़ देखते हैं तो मेरा ख्याल है इसकी 3x3 का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी टाइल का, खूबसूरत टाइल का। तो सामने आपको यहाँ पे इस साइड पे इसका एक डोर मिल जाता है और एक डोर यहाँ पे मिल जाते हैं। दोनों डोर में, इस डोर में भी ग्लास और वुड का वर्क किया गया है और इस डोर में भी ग्लास और वुड का वर्क किया गया है। तो यहाँ से सामने ये डिज़ाइन आपको मिल जाता है, सेम इसी तरह डिज़ाइन नीचे है। यहाँ पे आपको खूबसूरत ऊपर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके आगे टीवी लाउंज की तरफ और बेडरूम की तरफ। अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे बेडरूम जो दिए गए हैं, जो बेड आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 3 बेड दिए गए हैं। मैं आपको सबसे पहले इसके ले चलता हूँ, ये यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है किचन, तो किचन का आपको विजिट करवा देता हूँ पहले। जो यहाँ किचन में इंटर होते हैं तो किचन में इंटर होते ही आपको सामने सबसे पहले विंडो मिल जाती है और ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। केबिन की अगर हम बात करते हैं तो सेम डिज़ाइन, अगर यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग की गई है तो सिर्फ जो केबिन में हैंडल लगे हुए हैं उनकी चेंजिंग है, बाकी सेम एक जैसे ही हैं। नीचे वाली आप कैबिनेट देख सकते हैं, बर्नर इंस्टॉल है। यहाँ पे आपको 2 ओवन मिल जाते हैं। अगर हम कैबिनेट्स की बात करते हैं तो अच्छी कैबिनेट्स, मैं आपको थोड़ा इसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छी कैबिनेट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसमें मटेरियल लगा है, अच्छा मटेरियल लगा हुआ है। तो इस साइड पे आपको इसके साथ ही एक डोर मिल जाता है और यहाँ पे आपको इसका एक डर्टी किचन मिल जाता है जिसमें ऊपर और नीचे केबिन बनाई गई है, सिंक दिया गया है और यहाँ पे आपको एक इसका डोर मिल जाता है। इस साइड पर आपको सामने विंडो मिल जाती है, ये सेम इसी तरह नीचे भी विंडो दी गई है। ऊपर अगर सीलिंग की बात करते हैं तो आपको सीलिंग, खूबसूरत सीलिंग मिल जाती है। सामने अभी हम आपको ले चलते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। ये आपको टीवी लाउंज का एरिया आप देख सकते हैं, खूबसूरत शैंडिलियर का इस्तेमाल किया गया है, दोनों साइड पे फैन और खूबसूरत किस्म की लाइट्स का इस्तेमाल है। सामने जो आप ये वॉल डिज़ाइन देख रहे हैं, वॉल पे टाइल का वर्क किया गया है और खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पे आपको ये विंडो मिल जाती है, इसकी विंडो पूरी वॉल पे तकरीबन 2-2 फीट साइडों पे 2.5 फीट जगह छोड़ी हुई है, बाकी पूरी विंडो ऊपर। अगर नीचे हम देखते हैं तो तकरीबन ऊपर वाली कोई 3 फीट होगी और नीचे वाली 2 फीट छोड़ा हुआ है, मतलब बिग साइज़ में यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है। इस साइड पे आपको थोड़ा व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको सामने जो डोर नज़र आ रहा है, टेरेस का नज़र आ रहा है, तो
तो टीवी लॉन्ज की स्पेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस दी गई है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके बेडरूम की तरफ, थोड़ा मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे हम जिस तरह आए हैं, ये आपको यहाँ पे एक खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया है और हम अभी बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो बेडरूम में सामने आपको विंडो मिल जाती है खूबसूरत स्टाइल डिज़ाइन के साथ इसे बनाया गया है। और यहाँ पे जो ही हम इंटर होते हैं रूम में, बेडरूम में, आपको सामने विंडो मिलती है, साथ खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर सीलिंग, खूबसूरत सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आप कबर्ड्स जो इंस्टॉल की गई हैं इतने अच्छे तरीके से की गई हैं कि अगर आप देखते हैं तो आपको इनके साथ अगर हैंडल ना हो तो ये पता ही नहीं चलता कि ये कबर्ड्स है, मतलब सिर्फ कलर से हमें अंदाज़ा होता है, इतने अच्छे तरीके से इन्हें इंस्टॉल किया गया है। तो अभी हम आ जाते हैं इधर वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम देख सकते हैं खूबसूरत वॉशरूम, टाइल का इस्तेमाल किया गया खूबसूरत। यहाँ पे आपको शावर एरिया इसका मिल जाता है और यहाँ पे आपको कमोड मिल जाता है। टाइल मास्टर टाइल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे आपको वेंटी मिलती है और ऊपर आपको मिरर, साथ विंडो और एग्जॉस्ट फैन। इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये सेकंड बेडरूम का डोर की अगर बात करते हैं तो आप डोर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सॉलिड डोर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो ही आप इंटर होते हैं सामने आपको विंडो मिल जाती है और ऊपर खूबसूरत सीलिंग मिल जाती है। इस साइड पर आपको सामने फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको इसका डोर मिलता है। स्पेस की बात करें तो तीन सिक्स बेडरूम में सेम एक जैसी स्पेस दी गई है। यहाँ पे आपको खूबसूरत हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं जो फुल हाइटेड कबर्ड्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्हें इंस्टॉल किया गया है। अभी हम इंटर होते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में इंटर होते सामने आपको शावर एरिया इसका मिलता है। अगर स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी स्पेस यहाँ पर दी गई है, सिक्स बेडरूम में सिक्स वॉशरूम जो इसके अटैच वॉशरूम में। तो यहाँ पे आपको इसकी वेंटी मिल जाती है, साथ आपको मिरर, खूबसूरत मिरर, इलेक्ट्रिक मिरर है लेकिन ये इसे मैंने ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, कमोड मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा दोबारा इलेक्ट्रिक मिरर मैंने आपको कहा था तो आप देख सकते हैं ये लाइट्स मैंने अभी इसकी ऑन की है, लाइट्स इसकी ऑन है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम की तरफ, थर्ड, जिसका तीसरा बेडरूम है। जो ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं सामने आपको बाहर टेरेस नज़र आ रहा है और इस साइड पे आपको इसकी खूबसूरत लाइट सीलिंग नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं आपको एंड तक नज़र आ रहा है टाइल वर्क, बहुत ही अच्छा टाइल वर्क भी यहाँ पे किया गया। हम इंटर हो गए हैं जी थर्ड बेडरूम में। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमने बेडरूम देखे हैं ऊपर और नीचे सेम डिज़ाइन है और इस बेडरूम में ये नीचे और ऊपर मास्टर बेडरूम है। अगर घर की बात करते हैं जिस तरह घर में स्पेस दी गई है, हमें ये किनार का घर नहीं लगता, ये बहुत बड़ा घर लगता है। तो सामने आपको विंडो मिल जाती है, दोनों साइड पर लाइट्स, खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं और इस साइड पे आपको डोर मिल जाता है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके, यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स। हम इंटर होते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइल इस्तेमाल की गई है, टाइल का कलर चेंज किया गया, मास्टर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सामने आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपल डिज़ाइन में जो वॉशरूम में अच्छी लुक दे रही हैं, वेंटी इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिरर इंस्टॉल किया गया और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं इस बेडरूम से। तो मैं आपको थोड़ा इसके टेरेस का व्यू भी करवा देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, मैं अभी जिस तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे सामने इसका टेरेस है। अगर इसका डोर ओपन होता है तो मैं आपको यहाँ पे आपको एक विंडो साथ मिल रही है डोर के साथ, आपको इसका व्यू करवा देता हूँ। ये डोर ओपन हो गया तो आपको मैं थोड़ा इसके टेरेस का व्यू भी करवा देता हूँ।
ये टेरेस आप देख सकते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन सीएनसी डिज़ाइन में वॉल इस पे लगाई गई है। और अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है, ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे 4 से 5 चेयर्स आसानी से आप लगा सकते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैंने डिटेल से हर बात आप दोस्तों को बता दी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे, विज़िट करना चाहेंगे, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।